सो गाइस कैसे हो आप लोग। WWE अपडेट्स इन हिंदी के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। गाइस अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि WWE की हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुंच सके सबसे पहले। सो गाइस आज हम बात करेंगे रॉकेट 25th एनिवर्सरी में होने वाले रिटर्न के बारे में और भी कुछ बड़े अपडेट्स है जो आप लोगों को आज मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस रॉकेट 25th एनिवर्सरी में बहुत सारे लेजेंड्स रिटर्न करने वाले हैं और WWE एक के बाद एक लेजेंड्स का नाम जुड़ते ही जा रहा है रॉकेट 25th एनिवर्सरी के एपिसोड के लिए। WWE अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है कि रॉकेट 25th एनिवर्सरी का एपिसोड सबसे धमाकेदार हो, इसके लिए WWE ने बहुत सारे नामों को कन्फर्म किया है रॉकेट 25th एनिवर्सरी में। तो गाइस शुरू करते हैं एरिक बिशप से जो रॉकेट 25th एनिवर्सरी के एपिसोड में रिटर्न करने वाले हैं। इसके अलावा जिम रॉस, जेडी द किंग रोलर, द पीपल्स पावर जॉन लोरेन आइरेट्स, टेडी लॉन्ग और भी कई बड़े कॉमेंटेटर्स हैं जो रिटर्न करने वाले हैं रॉकेट 25th एनिवर्सरी में। अब बात करते हैं सुपरस्टार की जो रिटर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेला ट्विंस जो कि रॉकेट 25th एनिवर्सरी में रिटर्न करेंगे। शायद बेला ट्विंस रॉयल रंबल मैच में एंट्री की भी घोषणा कर दे। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलेगा बूगी मैन, क्रिस्टियन, डी जनरेशन एक्स का रीयूनियन भी प्लान है, द डडली बॉयज, हेली केली, न्यू एज आउटलॉज, रिक फ्लेयर, क्रिस स्टेटस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर और MVP। सो बस यही है कुछ बड़े नाम जो रॉकेट 25th एनिवर्सरी में रिटर्न करने वाले हैं। और दूसरी अपडेट ये है कि रोमन रेंस अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारने वाले हैं मीज के खिलाफ रॉकेट 25th एनिवर्सरी में अकॉर्डिंग टू केज साइड सीट्स। सो बस ये तो बस एक रूमर्स ही है और अगर ये रूमर्स सच हुआ तो देखने में ये मजा आएगा कि रोमन रेंस किस तरह अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारते हैं मीज के खिलाफ। और ये मैच तो फेयर तरीके से नहीं हो सकता, तो देखने वाली बात ये है कि मिस्टर रस के अलावा क्या कोई और रेसलर देखने को मिल सकता है इंटरफेयर करते हुए। सो गाइस ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि रॉकेट 25th एनिवर्सरी में क्या होने वाला है और WWE क्या कोई और सरप्राइज रखा है हमारे लिए रॉकेट 25th एनिवर्सरी में। सो गाइस आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और WWE अपडेट्स इन हिंदी को आप अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि WWE के हर एक अपडेट्स आप लोगों के पास पहुँच सके सबसे पहले। Close till I get up, time is barely on our side.